महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने साफ कह दिया, पार्टी सिंबल का मामला है, चुनाव आयोग को फैसला लेने दें। वकील नीरज किशन की मांग का उद्धव ठाकरे के गुट ने विरोध किया। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल का कहना है, विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई होनी है, ऐसे में विधायकों की मांग पर चुनाव आयोग कैसे सुनवाई कर सकता है। अगर एकनाथ शिंदे को शिवसेना का निशान मिल गया तो सुनवाई व्यर्थ हो जाएगी। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर कोर्ट अगला फैसला 27 सितंबर को सुनाएगा। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सुनवाई के बाद केस को संवैधानिक बेंच में ट्रांसफर कर दिया। शिवसेना का विवाद 20 जून से शुरू हुआ, जब शिंदे के नेतृत्व में 20 विधायक सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए। इसके बाद शिंदे गुट ने शिवसेना के 55 में से 39 विधायकों के साथ होने का दावा किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत है, हम अभी भी शिवसैनिक हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा, शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं जब वो अलग हुए गुट का किसी दूसरी पार्टी में विलय करे। कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट के पास कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट की मांग यही है कि चुनाव आयोग को फैसला लेने दें, क्योंकि आगामी समय में बीएमसी के चुनाव होने हैं और वहां दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल का ये कहना है कि इस मामले पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुनवाई कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।